मठाधीश और माफिया के बाद अखिलेश यादव ने साधु संतों के लिए एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में साधु संतों से पंगा ले लिया है और इस बार अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में जाति ढूंढने के अलावा न सिर्फ संतों की भाषा पर सवाल खड़े किए बल्कि उन्होंने संतों के लिए धूर्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को, सनातन को, साधु संन्यासियों को, रामायण को, भगवान राम को आहत करने का ठीका ले रखे हैं। अखिलेश जी कहते हैं साधु संन्यासी चिलमजीवी होते हैं, मठ और माफिया एक होता है। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं और सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं, अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी दूसरे धर्म पे कभी टिप्पणी किए हैं? नहीं करेंगे। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके शब्दों से होती है। शब्दों से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है और जिस तरीके के शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दूसरों को अपशब्द कहने वाली समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब हर कोई पहचानता है। संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा उद्देश्य रहता था कि जब चुनाव होते तो बूथ कैप्चरिंग, अब माफिया जमीन के नीचे चले गए तो बूथ कैप्चरिंग वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका विरोध। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के सामने नाक रगड़ती थी और आज ये संतों को माफिया कहते हैं। चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहां महापुरुषों का अपमान किया जाता था। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट से सियासी पारा हाई कर रखा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सिगरा थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती से देश और सिखों का अपमान किया है। हमारे जो देश के विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर अपने देश की निंदा करना और हमारे सिख गुरु गोविंद जी जो थे गुरुओं, ये हम लोग एक सम्मान से उनको मानते हैं कि हम लोगों को बहुत अंदर से ठेस लगी है। कल सिख समझाया भी हमारे साथ था,
उनका जो है पुतला बनाकर उनका जो है वो किया था हमने। क्या FIR दर्ज होगी? हाँ, FIR दर्ज होगी, फिर उसकी विवेचना होगी, फिर उनके खिलाफ जितनी भी हो सकती है वह कार्रवाई किया जाएगा। यह देश की आन बान की बात है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा है। ब्रजेश पाठक ने सभी अधिकारियों से कहा है कि तय समय में सभी कामों को पूरा कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली पुलिस ने हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नौशाद और अमन नाम के दो युवक इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया करते थे। आरोपी है कि दोनों शातिर बदमाश फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर महिलाओं और लड़कियों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें परेशान किया करता था। मोबाइल फोन में कई लड़कियों की न्यूड फोटो और वीडियो मिले हैं, अश्लील चैट भी मिले और पुलिस ने दोनों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर का है। की गहनता से पूछताछ की गई तो नौशाद और अमान उनके नाम थे। नौशाद के पास से 5 आधार कार्ड बरामद हुए हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम नामों से बनाए गए हैं। उसके फोन में 6 इंस्टाग्राम IDs मिली हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नामों से बना रखी हैं। उसमें अमान के पास से भी 3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि दोनों समुदाय को से बिलोंग करते हैं और उसके फोन में भी काफी सारी IDs मिली हैं। दोनों के फोन में काफी सारा अश्लील और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिला है। गाजियाबाद में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ और बदमाश और उसका साथी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट का मोबाइल, अवैध असलहा बरामद किया गया है। थाना खोड़ा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है अगली, और यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया। 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और आपको बता दें कि तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हाईवे पर गाड़ी से तेल चोरी करने का ये काम किया करते थे। मंसूरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया। जौनपुर में 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की ने स्कूल के प्रिंसिपल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। छात्रा दिव्यांग है जबकि पूरे मामले की शिकायत थाने से की गई तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पीड़िता के परिजनों ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। SP के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़िता की मां द्वारा थाना लवड़िया में एक तहरीर दिया गया कि हमारी नाबालिग दिव्यांग पुत्री के साथ उसके स्कूल के अध्यापक द्वारा यौन शोषण किया गया, जिस पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बीच सड़क पर एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई और गाड़ी में सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला कैसरबाग के BN रोड का बताया गया। और हरदोई में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पहले कार पूरी तरह से जल गई। कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। अगली खबर हरदोई से, जहां पर चलती कार में अचानक आग लगी। जैसा कि हमने आपको बताया, लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां पर घाघरा नदी में उफान के चलते गांव पूरे डूब चुके हैं।
लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। जब प्रभारी मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे तो इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं मंत्री के पास पहुंची, अपनी समस्या को बताने लगी। महिलाओं ने मंत्री से कहा, साहब हमारा घर बचा लीजिए, दरअसल कटान के चलते कई घरों के नदी में समाने की नौबत आ गई है और यहां तक कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। महोबा में नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म की वारदात का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने पीडी महोबा में तैनात कर्मचारी महेंद्र कुमार पर घर में घुसकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। नौकरी दिलवाऊंगा, नौकरी के बहाने से आया और वो कहने लगा कि वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे ना, और उसमें होश नहीं रहा, उसने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया? रेप करा उसने, मतलब। फिर मैंने उसको बोला कि ये क्या किया, तो कह रहा तुम अगर ज्यादा करोगी कहीं जाओगी तो मैं जान से मर जाऊंगा और तुम्हें फंसा दूंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा फांसी लगा के, मैं तुम्हें फंसा दूंगा। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर लोकबंधु अस्पताल की महिला डॉक्टर को पीटा गया है। मरीज के तीमारदारों पर पिटाई का आरोप यहां पर लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भर्ती मरीज के तीमारदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक ने कृष्णा नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। जूनियर महिला डॉक्टर ज्योति कृष्ण मूर्ति के साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है। हरदोई में एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस कांस्टेबल महिला। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं बलरामपुर से, जहां पर बेशकीमती खैर के लकड़ियों की तस्करी का मामला सामने आया, जहां पर लग्जरी गाड़ियों से खैर की तस्करी की जा रही है। सुहेलवा जंगल से काटी गई खैर की लकड़ी को प्रशासन ने बरामद किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में 17 बोटा खैर की लकड़ी लादी गई थी और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। हर्रिया थाना क्षेत्र के बन कटवा रेंज का ये पूरा मामला है। मिर्जापुर में किन्नर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पर हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को कुएं से किन्नर का शव बरामद हुआ था। हत्या से कुछ दिन पहले किन्नरों के 2 गुटों में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का बदला लेने के लिए किन्नर चांदनी की हत्या कर शव को कुएं में छिपा दिया गया था। प्रकाश में आया कि इसका जो 2 लोग जो इसमें नामजद किए गए थे, उन लोगों ने, उनके साथ मिलकर और लोगों ने इसका अपहरण करके इसको मार के कुएं में जो बनारस क्षेत्र में पड़ता है उसमें फेंक दिया। तो वहाँ मॉर्निंग में 18 तारीख के जाके इसको रिकवर किया गया और इसमें इसी घटना के अनावरण क्रम में 3 लोगों को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। पीलीभीत में पुलिस ने 4-व्हीलर बुक कर ड्राइवर के साथ लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले गाड़ी बुक करते थे, उसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट कर देते और उसे गाड़ी से फेंक देते थे। गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाते थे। 16 सितंबर को लोडर बुक कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों उस बलेरो पिकअप और ड्राइवर के साथ माधोटांडा पहुंचे तो वो तीसरा जो अभियुक्त था उसने गाड़ी रुकवाकर तमंचा दिखाकर ड्राइवर को वहां उतार दिया तथा उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहां छोड़कर बलेरो पिकअप गाड़ी लेकर भाग गए थे। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया। उन टीमों द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए 4 दिन के भीतर तीनों अभियुक्तों को 100% माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर के पुरवा मीर इलाके में हुई हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद एक नाबालिग ने फोटो के जरिए आरोपी की शिनाख्त की थी, जिसके बाद से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के बाद CDR के आधार पर, बाकी आधार के आधार पर जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में, यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ, और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उठाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था तो इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।